नमस्कार। साहित्य अकादमी के वेबलाइन साहित्य श्रृंखला के कार्यक्रमों में आज नारी चेतना कार्यक्रम में हमारे बीच में हिंदी की दो प्रख्यात कवि, कथाकार, निबंधकार और अनुवाद से जुड़ी हुई हस्तियां बीच में हैं, आदरणीय नीरजा माधव जी और डॉक्टर अलका सिन्हा जी। मैं साहित्य अकादमी की ओर से आप दोनों ही विदुषियों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बहुत संक्षेप में मैं परिचय करवा देता हूँ। नीरजा माधव जी प्रख्यात कथाकार, कवियत्री और ललित निबंधकार हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं यमदीप, तेभ्या स्वधा, गेशे जंपा, अनुपमेय शंकर, अवरण महिला कांस्टेबल की डायरी, ईहा मृग, रात्रिकालीन संसद, धन्यवाद सिवनी, तिब्बत की डायरी, ये आपके कुछ उपन्यास, चिटके आकाश का सूरज, आदिम गंध तथा अन्य कहानियां, पथदंश, अभी ठहरो अंधी सदी, चुप चंतारा रोना नहीं, प्रेम संबंधों की कहानियां, वाया पांडेपुर चौराहा, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, प्रस्थान त्रयी, कविता प्यार लौटना चाहेगा, ये आपका कविता संग्रह, आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ललित निबंध संग्रह हैं, जिसमें चैत चित्त मन महुआ, सांझी फूलन भीति, यह राम कौन है, शंकराचार्य, पीठ और परंपरा, रेडियो का कलापक्ष, साहित्य और संस्कृति की पृष्ठभूमि, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, और इसमें कई अन्य विधाओं की भी चीजें शामिल हैं। आपको कुछ कई महत्वपूर्ण पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सर्जना पुरस्कार और यशपाल पुरस्कार, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार, शंकराचार्य पुरस्कार, शैलेश मटियानी राष्ट्रीय कथा पुरस्कार, राष्ट्रीय साहित्य सर्जक सम्मान जैसे कई अलंकरण। आपकी कहानियां और उपन्यास कई विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। आपके उपन्यासों और कहानियों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। आप वाराणसी आकाशवाणी प्रसार भारती में कार्यक्रम अधिशासी के रूप में कार्यरत हैं। मैं नीरजा माधव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय डॉक्टर अलका सिन्हा जी कवियत्री, कथाकार, निबंधकार और अनुवादक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। आपकी कुछ प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं काल की कोख से, मैं ही तो हूँ ये, मैं तेरी रोशनाई होना चाहती हूँ, ये आपके कविता संग्रह, और सुरक्षित पंखों की उड़ान शीर्षक से आपका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था जो काफी चर्चा में रहा। कविता, कहानी और निबंध के अनेक संग्रहों की सहयोगी आप रचनाकार हैं। हिंदी दिल्ली दूरदर्शन के साहित्यिक कार्यक्रम पत्रिका की विशिष्ट श्रृंखला की आप प्रस्तोता रहीं। आकाशवाणी की विदेश प्रसारण सेवा में पूर्व हिंदी उद्घोषक, गणतंत्र दिवस परेड का आंखों देखा हाल सुनाने का गौरव आपको प्राप्त है। दिल्ली विश्वविद्यालय से अनुवाद की अतिथि प्राध्यापक के रूप में आप संबद्ध हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के दृश्य श्रव्य शिक्षण कार्यक्रम का प्रस्तुतिकरण और केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद की पूर्व साहित्य एवं संस्कृति मंत्री रही हैं। आप परिचय साहित्य परिषद की सचिव हैं। आपको कई सम्मान प्राप्त हुए हैं, जिनमें कविता संग्रह मैं ही तो हूँ ये पर हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा साहित्यिक कृति सम्मान जो वर्ष 2002 में प्राप्त हुआ, साहित्य के लिए मानव सेवा सम्मान प्रवासी संगठन नई दिल्ली द्वारा साहित्य के लिए प्रवासी रत्न सम्मान जो 2004 में प्राप्त हुआ, और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो गृह मंत्रालय द्वारा रजत पदक से आप सुशोभित हैं। मैं डॉक्टर अलका सिन्हा जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज इन दो कथाकारों से हम कहानियां सुनेंगे। हम सबसे पहले निवेदन करते हैं अलका सिन्हा जी से रचना पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुपम जी, मैं साहित्य अकादमी का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि एक ये श्रृंखला जो शुरू की है उसमें कहानी के बहाने से हम अपने मन की बहुत सी बातें साझा कर लेते हैं इस समाज से। आज जो कहानी मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाह रही हूँ उसे कथाबिंब कमलेश्वर सर्वश्रेष्ठ कहानी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और देखिए, ये कहानी एक अलग से बड़े संवेदनशील विषय को लेकर चलती है। शीर्षक है धिनाधिन धिन दिन। हल्की बरसात के बाद मौसम सुहावना हो गया था। रास्ते में बिछे सुनहले पत्तों से आती चरमर की आवाज अस्फुट सी कुछ कह रही थी जो समझ में न आ पाने के बावजूद बड़ी भली लग रही थी। शांति पथ की दोनों ओर सजी रंगीन फूलों की कतारें और बीच बीच में रंगोली से बनाते हुए घुमेदार गलियारे, कॉलेज जाने का ये रास्ता मुझे हमेशा ही लुभाता रहा है। मैं इसी कॉलेज में पढ़ी और अब यहाँ पढ़ा भी रही हूँ।
ऊंची नीची पहाड़ियों पर चढ़ते हुए महसूस होता जैसे इन पहाड़ियों की गोद में समाई यह गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग नहीं बल्कि कोई रूप गर्विता नायिका हो जो पहाड़ियों की ओट में नजाकत के साथ खड़ी किसी का इंतजार कर रही हो। मैंने उसे पहली बार यहीं देखा था, ठीक इसी जगह। दलाल के चंगुल से छुड़ाई गई कुछ और लड़कियों के साथ वह भी यहां लाई गई थी। मैं नहीं जानती थी कि वह किस भयंकर जीवन का हिस्सा बनने से बचा ली गई थी। वह नहीं जानती थी कि उसकी जिंदगी मौत से बदतर हो सकती थी। वह खुशकिस्मत थी कि उनके चंगुल से छुड़ा ली गई थी। वह खुशकिस्मती या बदकिस्मती का मतलब नहीं जानती थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें, चपटी फूली नाक, मोटे काले होंठ और घुंघराले बाल। इतनी जायदाद के साथ 16-17 साल की वह आदिवासी लड़की दिल्ली जैसे महानगर में अपनी जन्नत बसाने की हसरत लिए चली आई थी। उसके भीतर से एक जिद्दी आत्मविश्वास झांक रहा था जिसने मुझे बेतरह आकर्षित किया और मैंने उसे अपने पास बुला लिया। अपनी प्रधानाचार्य के द्वारा चलाए जा रहे एनजीओ के शर्तनामे पर हस्ताक्षर कर मैंने उसे अपने साथ रखने की इजाजत ले ली। रूपंती, उसने अपना नाम बताया जो मुझे उसके काफी अनुकूल लगा। घर के काम समेटती वह मेरे साथ ही कॉलेज आ जाती जहां एनजीओ द्वारा चलाए जा रहे स्कूल में वह भी और लड़कियों के साथ पढ़ाई करती। खाली वक्त में वह अपनी उम्र की लड़कियों के साथ खेलती तो कभी हरी घास पर बैठी यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ों को अपनी छोटी छोटी आंखों में भरती। लड़कियों की झुंड में वह अलग से पहचानी जाती और मेरी निगाहों के दायरे में कैद हो जाती। जब मैं उसे कुछ बताती तब उसकी आंखें हैरत से भर जाती जैसे मैं किसी और ही दुनिया के बारे में बता रही हूं। यह दुनिया उसके लिए सचमुच दूसरी ही दुनिया थी, वरना जंगलों का उन्मुक्त स्वभाव उसकी जीवन शैली का हिस्सा थी। वह बड़ी जिम्मेदारी से स्कूल में सिखाए पाठ याद करती, साथ ही मुझे अपनी भाषा के गीत सुनाती। कभी कभी वह मुझे आदिवासी नृत्य भी दिखाती। मैंने महसूस किया कि अपनी सादगी के साथ वह सचमुच सुंदर थी। हैरानी से खुली उसकी आंखें उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती। मैंने पाया था कि रूपंती के भीतर जानने समझने की तीव्र लालसा थी। वह मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनती और निरंतर अपनी सहमति जताती रहती, मगर जब तक उसे कोई बात समझ नहीं आती वह अपनी गर्दन नहीं हिलाती। पूछे जाने पर भी वह खामोशी से देखती रहती। मैं दोबारा किसी और तरह से अपनी बात को समझाती। समझ आ जाने पर उसके चेहरे पर खोई हुई रंगत वापस लौट आती। वह खुद इतना नहीं बोलती जितना उसकी आंखें बोलती। उसकी सहमति, असहमति, हैरानी, जिज्ञासा सब उसकी आंखों से जाहिर हो जाता। कहने को उसे अपनी भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा का ज्ञान नहीं था, मगर वह समझती हर भाषा थी। उसकी आंखों में सैकड़ों सवाल तैरते और वह हर सवाल का जवाब तलाशती। मेरी भरसक कोशिश होती कि मैं उसकी हर जिज्ञासा शांत कर सकूं और उसे नई जानकारियों से समृद्ध कर सकूं। वह जल्दी ही शहर की बोली बोलने लगी थी। मैं डरती थी कि कहीं वह अपना गवईपन छोड़कर शहर वाली ना बन जाए, मगर मैंने महसूस किया था कि शहरी आकर्षण के बावजूद उसका अपने गांव घर से अटूट संबंध था। अपने ग्रामीण जीवन से सीखी कई तरह की अनोखी जानकारी देकर वह मुझे भी अचंभित कर देती। मौसम बदलने वाला है, जाड़ा और पड़ेगा। उसकी बात पर मैं हंस पड़ती। तुझे मौसम विभाग वालों का फोन आया था क्या? वह अपनी बात अजीब तर्कों से सिद्ध करती। कई बार वह किसी पक्षी को दिखाकर आने वाले वक्त की जानकारी इस तरह बताती जैसे वह उन पक्षियों की बोली समझती हो और इन पक्षियों ने उसके कान में यह जानकारी दी हो कि जल्दी ही यहाँ तूफान आने वाला है। चूहे की उछल कूद देखकर भूकंप के बारे में की गई उसकी उद्घोषणा मेरे लिए अविश्वसनीय सत्य थी। उसकी दुनिया मेरे लिए भी विस्मय का विषय है। उसे मेरे साथ रहते 3 साल बीत चुके हैं और अब वह एक समझदार परिपक्व लड़की बन चुकी है। मेरे अकेलेपन को एकांत में बदलने वाली इस लड़की की मेरे जीवन में बहुत अहमियत है। उसकी खामोशी मेरे एकांत की लय को टूटने नहीं देती, तो उसकी चपल आंखें निरंतर संवाद की प्रतीक्षा में खड़ी दिखाई पड़ती हैं। उसका होना ऐसे ही है जैसे वह है भी, मगर उसके होने की कोई आहट भी नहीं। उसने बड़ी होशियारी के साथ मेरी जरूरतें समझ ली थी
और वह मेरी समय सारणी के मुताबिक कदम ताल करती मिलती। घर के काम निपटाकर वह मेरे कॉलेज जाने के समय पर तैयार मिलती। मेरे एकांगी जीवन में वह मेरी सहयोगी भी थी और मेरी साथी भी। मेरा उससे रिश्ता इतना घनिष्ठ हो चुका था कि वह कभी मुझे किसी बच्चे से मालूम पड़ती तो कभी जिम्मेदारियों से भरी माँ जैसी लगती। मैं उसके लिए बहुत कुछ तो नहीं कर पाई, मगर हाँ, जिंदगी को लेकर उसके खूबसूरत भ्रमों को बचाए रखने की कोशिश लगातार करती रही हूँ। उसकी सादगी और निश्चलता देखकर मुझे अक्सर ये भय लगता कि अगर उसे हकीकत की कठोरता से रूबरू होना पड़ा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, न ये नदियां, न पहाड़, न झरझर बहते झरने, न हरियाली घाटियां। तब धरती बांझ हो जाएगी और पर्वत सन्यासी। एक रोज उसने मुझे अपनी बोली में गुनगुनाते हुए कुछ खास तरह का एक नृत्य दिखाया, धिनाधिन धिन धिनाधिन धिनाधिन की आवाज के साथ। कभी वह अपने सिर को गोल गोल घुमाती तो कभी अपने हाथ पैरों को। मैं इस नृत्य को देखकर हंसने लगी। धिनाधिन धिन इसके सिवा मेरे समझ में कुछ भी नहीं आया। उसने बताया कि यह ऐसी तितलियों का गीत है जो किसी के मरने की प्रतीक्षा में इस खास प्रकार के स्वर में गुनगुनाती हैं। उसने बताया कि इस प्रजाति की तितलियां शिकार कर अपना भोजन नहीं जुटाती, बल्कि अपनी विशेष प्रकार की भनभनाहट के साथ नृत्य करते हुए आसन्न मृत्यु का जश्न मनाती है। इसलिए इनकी मौजूदगी मृत्यु का संकेत मानी जाती है। उसकी इस जानकारी से मैं अचंभित रह गई, मगर उसे कोई अचंभा नहीं था, ना ही कोई शिकायत थी। फिर भी मेरे चेहरे पर छाई मायूसी को देखते हुए उसने दूसरा गीत सुनाया। उसका महीन स्वर इस बार कुछ उल्लास लिए हुए था, मगर मैं बहुत सामान्य नहीं रह पाई। उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया और मेरी कमर में हाथ डालकर अपने पैर आगे पीछे करते हुए आदिवासी ढंग से नृत्य करने लगी। उसने बताया वहां की लड़कियां सामूहिक स्वर में इस तरह का गीत गाते हुए जंगल के देवता से सबके हित की कामना करती हैं। एक बार उसने आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चाशनी में उबालकर मुझे खिलाई। उसका स्वाद बहुत भाया नहीं तो ऐसा खराब भी नहीं लगा, अच्छा है, प्रतिक्रिया को उत्सुक उसकी आंखों को देखकर मैं हंसती। वह ऐसे खुश हो गई जैसे उसका जंगल शहर से जीत गया हो। फिर तो वह अक्सर ही मुझे अपने पारंपरिक भोजन का स्वाद चखाने लगी। मुझे पता ही नहीं चला कि कब और कैसे महानगर के इस आधुनिक फ्लैट में एक आदिवासी जंगल हावी होने लगा। कई बार तो मैं भी उसके अभिवादन का उत्तर जोहार कहकर देती। जब मैं उसे आसोजुआ कहकर बुलाती या बसोजुआ कहकर बैठने को कहती तो वह बेतरह खुश हो जाती। उसकी बोली, उसके गीत खेल ही खेल में मेरी दिनचर्या में हिस्सेदारी करने लगे थे। कभी कभी मैं सोचती कि उसके साथ उसके गाँव चलूं, मगर फिर यह सोचकर डर जाती कि कहीं वहां जाकर उसकी जंगल की दुनिया में वापस लौट जाने की इच्छा जाग उठी तो मेरा काम कैसे चलेगा। सच है, स्वार्थ हम शहरी लोगों के खून में आ बसा है। आज के खुशनुमा मौसम में बीती कई बातें यादों में घुमड़ने लगी थीं और मानसिक दुनिया में मैं बहुत लंबी सैर कर आई थी, वरना पिछले कुछ रोज से तो मैं बिस्तर से हिलने डुलने का भी मन नहीं बना पा रही थी। दरअसल कुछ समय से माहवारी बहुत अनियमित हो गई है, कभी दो तीन महीने नहीं आती तो कभी अतिरेक हो जाती है। अपने स्वभाव का भी इन दिनों कोई ठिकाना नहीं रहता, वो तो रूपंती है तो संभाल लेती है। डॉक्टर कहती है आजकल 40 की उम्र में ही मेनोपॉज आ जाता है, तो ये दिन बड़े भावात्मक अतिरेक के भी होते हैं। शायद इसी क्रम में मैं पिछली बातें दोहराने लगी थी। आज तबीयत कुछ बेहतर मालूम पड़ी तो घर से निकलने को मन कुलबुलाने लगा। सोचा कॉलेज चलती हूँ, कोई क्लास लूँ या न लूँ, कम से कम रूटीन तो बदलेगा। मगर जैसे ही घर से बाहर निकलने लगी कि लड़खड़ा गई। रूपंती ने झट पड़कर सहारा दिया और संभाल कर मुझे घर वापस ले आई। मेरे सिर में तेल ठोकते हुए वह अचानक ही पूछ बैठी, दीदी मेरे गाँव चलोगी? वहां ऐसी कई जड़ी बूटियां हैं जिनका रस पीने से खून बहना भी रुक जाएगा और कमजोरी भी दूर हो जाएगी। रूपंती की बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गई। उसे कैसे पता मुझे क्या परेशानी है? हो सकता है इसने डॉक्टर के साथ मेरी बातचीत सुनी हो और अंदाजा लगाया हो। खैर जो भी हो, मैं इस तरह की बातों में हिस्सेदारी करने की आदी नहीं थी। मुझे अभी भी ध्यान है जब मैं पहली बार इस तरह के परिवर्तन से गुजरी थी तो एकांत में बैठकर खुद को लड़की होने पर कितना कोसा था। कितने ही अवसरों पर इस अवस्था के कारण
मेरी प्रतिभाएं बाधित हुई थी। माँ ने बहुतेरा समझाया कि स्त्री होने के लिए यह जरूरी है, यह स्त्री को पूर्णता प्रदान करता है, इसके बाद ही वंश आगे बढ़ता है। मगर मैं महीनों अपनी लाचारी पर रोती रही। मैं पूछना चाहती थी कि पुरुष की पूर्णता के लिए ऐसी सजा का से गुजरना जरूरी क्यों नहीं होता, जबकि वंश तो उनके नाम का चलता है। और भी बहुत से प्रश्न मेरे मन में उठते, मगर मैं इसी असहजता के कारण कभी पूछ नहीं पाई। आज रूपंती का इस तरह खुले तौर पर कुछ कहना मुझे चौंका गया। मुझे तो यह भी अंदाजा नहीं कि रूपंती इन बातों के बारे में जानती भी है। तुम्हें महीना होता है? मुझे तो आज तक पता ही नहीं चला, थोड़ा हकलाते हुए मैं पूछ बैठी। दरअसल इसने आज तक मुझसे ऐसा कोई सामान भी नहीं मंगवाया, जबकि उसकी हर जरूरत का सामान मैं ही खरीद कर लाया करती थी। मेरे संशय पर वह विजय गर्व से मुस्कुरा रही थी। उसने मुझे बड़ी ही खुफिया जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ लाने से पहले एजेंट ने सभी लड़कियों को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां खिलाई थीं जिससे उनका मासिक धर्म होना रुक गया। मतलब, मैं हैरानी से चीख पड़ी, तुमने क्यों कराया ऐसा? उसने बताया कि एजेंट ने नौकरी पर लगाने की यह शर्त रखी थी, उसके मुताबिक ऐसा करवाने से इन लड़कियों को कई तरह की परेशानियों से बचाया जा सकेगा। मैं सकते में आ गई, यह क्या कह रही है, कैसी परेशानियों से बचाया जा सकेगा? मतलब अब इस शरीर को नोचो खसोटो कोई चिन्ह नहीं रहेगा? शहर देखने और शहर में जाकर पैसा कमाने का सपना देखने वाली बेचारी भोली भाली लड़कियां कहां जानती हैं कि इन्होंने कितना बड़ा सौदा कर दिया है। मैं उसे बताना चाहती थी कि स्त्री की पूर्णता इसके बिना नहीं है, और इस मुसीबत से बचकर न केवल वह मातृत्व सुख से वंचित रह जाएगी, बल्कि उसकी वंश बेल का विकास रुक जाएगा। ऐसी कई बातें जिनके प्रति मेरी माँ ने मुझे सजग किया था, वे सब मेरी जुबान पर थी। अब तक शायद मेरे लिए औरत होना व्यक्ति होने से अधिक महत्वपूर्ण नहीं था, मगर रूपंती से उसका यह अधिकार छीने जाने की साजिश ने अचानक ही इसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण बना दिया। अगले ही दिन मैं उसे अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के पास ले गई। कई तरह के जांच के आधार पर दी गई डॉक्टर की रिपोर्ट मेरी आशंका से परे नहीं थी। मन बड़ा आहत हुआ। संबंधों को लेकर मेरी व्यक्तिगत धारणा बहुत संवेदनशील रही है, जिसकी वजह से मैंने खुद को विवाह और परिवार के बंधन से दूर रखा था। मगर रूपंती के आने के बाद मेरी धारणाएं बहुत हद तक बदली थी। रूपंती के साथ हुए इस छल को मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने डॉक्टर से देर तक इस संबंध में बात की। डॉक्टर ने मुझे कुछ उम्मीद बंधाई और मैं उसके कहे मुताबिक उसका नियमित उपचार कराने लगी। वक्त बीतता रहा मगर हुआ कुछ नहीं, बस मेरा इंतजार मेरे सब्र का इम्तिहान लेता रहा। फिर मैंने डॉक्टर बदल लिया, कई डॉक्टर बदल दिए। रूपंती मेरे कहे अनुसार सब करती रही, जहां जहां मैं उसे ले जाती रही वह जाती रही, जो दवाइयां मैं उसे देती रही वह खाती रही, मगर नतीजा सिफर ही रहा। इधर रूपंती के स्वभाव में भी अचानक ठहराव सा आ गया था। अब वह काम करते हुए गुनगुनाती नहीं थी, मुझसे जिज्ञासा भरे सवाल नहीं पूछती, वह चुप चुप रहती। कई बार वह एकांत में दीवार की तरफ टकटकी लगाए शून्य में देखती रहती। उसकी यह खामोशी मुझे तोड़ने लगी। मैंने हिसाब लगाया कि उसे अपना घर छोड़े लगभग 5 साल पूरे होने वाले थे, और इन 5 सालों में वह कम से कम 10 साल बड़ी हो गई थी। भरी जवानी में ही वह अधेड़ से दिखने लगी थी। तुम्हारे गांव चले? मैंने सोचा कम से कम घर जाकर अपने लोगों से मिलकर खुश तो हो जाएगी। गांव जाने की बात सचमुच उसके चेहरे पर चंपई रंग की तरह उतर आई, मगर उसके पास उसके गांव का पूरा पता नहीं था। मोरा नदी पार करने के बाद बेलतुला में एक बड़ा सा स्कूल है, वह अपने गांव के बारे में बताने लगी। इंटरनेट की सहायता से हम हाथीगोड़ नाम के उस गांव का पता लगा पाए जो असम के गुड़ियाझाड़ जंगल पार करने के बाद स्थित है। हमने बेलतुला की टिकट बुक करा ली थी। इसके बाद गुड़ियाझाड़ का घना जंगल था, जहां से यातायात का संपर्क नहीं था। रेल के डिब्बे में चढ़ते हुए इसके चेहरे पर बचपन की पारदर्शी तरलता उतर आई थी। वह खिड़की से सटकर बैठी थी। बाहर के दृश्य उसके चेहरे पर उतरते जा रहे थे। हरे पेड़ों की छाया उस पर आ जा रही थी।
उज्जड हवा साधिकार उसके बालों से डिटाई कर रही थी। उसके अपनी आंखों के रास्ते वह हरे मैदानों में उतरती जा रही थी, धूलदार पगडंडियों पर दौड़ती जा रही थी। समय और स्थान की दूरियां रेल की समानांतर पटरियों से साथ साथ दौड़ी जा रही थी। लगभग 2 दिन का सफर रूपंती के बीते बरसों की कथा बांच रहा था। कभी वह छूटे हुए गांव को याद करती तो कभी शहर की कहानी गांव को सुनाने लगती। खुली किताब सा उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने था और मैं जैसे कोई लंबा उपन्यास पढ़ रही थी। जब हमारी ट्रेन मोरा नदी के पुल से गुजरने लगी तो रूपंती के भीतर जैसे बाढ़ सी उमड़ आई। उसकी आंखें झरझर बरस रही थी। आज मैं भी उसके साथ वैसे ही उपस्थित थी जैसे मैं थी भी और मेरे होने की कोई आहट भी नहीं थी। वह निर्बाध अपने एकांत को जी रही थी, अपनी निजता में खुद से बातें कर रही थी, खुद को सुन रही थी। बेलतुला उतरकर हमें थोड़ा पूछना पड़ा। आगे की यात्रा हमें पैदल करनी थी। जंगल का इलाका शुरू हो गया था और वहां गाड़ियों की आवाजाही नहीं थी। रूपंती रास्तों को पहचानते हुए हामी भरती जा रही थी। वो देखो टेमरस, उसने उछलकर पेड़ से लटकता अतपका अमरूद तोड़ लिया। उसे पता था अतपका अमरूद मुझे कितना पसंद है। पेड़ से तोड़े ताजा अमरूद का खिंचा खिंचा स्वाद मन को तरोताजा कर गया। अब वह बच्चों से चहक रही थी, उसने अपना इलाका पहचान लिया था। वह मुझे पेड़ों पर चहकती चिड़ियों से मिलवाने लगी। मैना पाखुर, चटाई पाखुर, पारुआ पाखुर, वह उन्हें भी मेरे बारे में बताती जा रही थी। ऐसे पंछी मैंने दिल्ली में भी देखे थे मगर कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। मैं हैरान थी, क्या सचमुच ये एक दूसरे की जुबान समझते थे? मिनोती, तिलोत्तमा, गुंजरो, गांव के मुहाने पर पहुंचते पहुंचते वह सच में अपने आप में नहीं रह गई थी और अपने सहेलियों का नाम पुकारने लगी थी। विह्वलता में वह अपनी स्थानीय बोली में कुछ बोलने लगी थी। शायद वह अपने बचपन की कोई घटना बयान कर रही थी जो इन सहेलियों से जुड़ी थी। मैं हैरान थी कि इतने समय में भी जो बोली उसने एक बार भी नहीं बोली थी आज बरसों बाद भी उसके कंठ से झरने की तरह झर रही थी और जो कोयल की तान की तरह मीठी लग रही थी। वह कुछ कुछ बोलती जा रही थी बिना इसका एहसास किए कि मैं इसे समझ भी पा रही हूं या नहीं। दरअसल वह तो आत्मालाप कर रही थी, जंगल झाड़ से उनका हाल समाचार पूछ रही थी, इतने बरसों बाद वहां की धूल मिट्टी को गले लगा रही थी। उसकी हालत देखकर मैं भीतर भीतर एक तरह की तुष्टि का एहसास कर रही थी कि मैं किसी की खोई हुई खुशी का माध्यम बनी थी। आखिर नदी, कुआं, जंगल, मैदान पार कर हम एक ईंट घर के सामने खड़े थे। रूपंती की आंखें झरझर बरस रही थी। घर के भीतर से मंझोले कद का एक अधेड़ बाहर आया। रूपंती बा कहकर जिससे लिपट गई, वह हमें भीतर ले गया। रूपंती अपने मां से गले लगकर देर तक रोती रही। मेरी उपस्थिति गौण हो चुकी थी। वे दोनों अपनी बोली में बतिया रहे थे जो मेरी समझ से परे थी। पहली बार लगा मैंने तो घाटे का सौदा किया, उसे तो अपनी बोली सिखा दी मगर उसकी बोली तो सीखी ही नहीं। हाथीगोड़ बहुत सुंदर गांव था, वह ऐसा पिछड़ा इलाका भी नहीं था इनके गांव को लेकर जैसी भ्रांति हम शहर वालों ने पाली हुई है। बल्कि सच कहूं तो ये लोग इतने गरीब भी नहीं थे कि हमारे घरों में साफ सफाई, खाना बनाने का काम करते। यानी ये लोग सचमुच बस शहर को देखने के लोभ से ही गांव छोड़कर चले आते हैं। मुझे पश्चाताप हुआ, जिनसे हम नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं उनकी स्थिति हमारी स्थिति से कोई कमतर भी नहीं थी। रूपंती ने अपने गांव के सभी लोगों से मेरा परिचय करवाया, अपने जंगल बागान घुमाए और खूब शौक से ताजा मछली खिलाई। सभी कुछ आनंददायक था, इतना कि मेरा वहां से लौट आने को मन ही नहीं कर रहा था। उसने मुझे अपने गांव के ओझा बाबा से भी मिलवाया और मेरी तकलीफ की चर्चा भी की। कह नहीं सकती कि यह उन जड़ी बूटियों का कमाल था या उन आदिवासियों के प्यार का कि 2 दिन के भीतर ही मेरी कमर दर्द में आराम महसूस होने लगा था। मुझे उम्मीद बंधी कि रूपंती की भी रुकी हुई महावारी जरूर शुरू हो जाएगी और वह मातृत्व के सुख को पा सकेगी। रूपंती मेरे बारे में तो मुझे सब जानकारी देती जाती थी मगर अपनी बेहतरी के बारे में कुछ नहीं बता रही थी। मुश्किल यह थी कि वह गांव वालों से अपनी बोली में जो बात करती थी वह मेरी समझ का हिस्सा नहीं थी। फिर भी कुछ सकारात्मक बात नहीं मालूम पड़ रही थी
क्योंकि कुछ भी सकारात्मक होता तो वह मुझे झट बताती। उसका कुछ न बताना ही मेरी शंकाओं का जवाब था। पता ही नहीं चला कि 2 से 3 और 3 से 4 दिन बीत गए। लौटने की इच्छा न होते हुए भी मेरे भीतर लौट चलने का दबाव तेज हो रहा था। क्या इरादा है, अब विदा दो मुझे, आखिर मैंने चलने की बात उठाई। मगर उसे साथ चलने को कहने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाई। वैसे भी अब वहां कुछ अधेड़ उम्रवासियों के सिवा बचे ही कितने लोग थे। ज्यादातर लड़के लड़कियां शहर भेजे जा चुके हैं। पानी भरने जाती लड़कियों की टोलियां तो कब की गुम हो चुकी थी। जंगली पेड़ों की टहनियों पर झूलती रंग बिरंगी रिबन बांधे गीत गाती लड़कियों की आवाजें तो कब की सन्नाटे में बदल चुकी थी। चलते वक्त मन बड़ा भारी हो गया। रूपंती का साथ अब मेरी जरूरत का हिस्सा बन चुका था। अकेले यात्रा का ख्याल भी मन को व्यथित कर रहा था। मगर उससे भी कहीं ज्यादा इस बात का मलाल था कि रूपंती की समस्या का कोई ठोस उपचार यहां भी नहीं मिल पाया। फिर भी इतनी तसल्ली तो थी ही कि वह अपने गांव लौट आई थी, अपने लोगों के बीच वापस आ गई थी। स्टेशन पर गाड़ी आ लगी थी। रूपंती ने मेरा सामान गाड़ी पर चढ़ा दिया। उसने खिड़की की तरफ से मेरा हाथ पकड़ रखा था कि गार्ड ने हरी झंडी दिखाकर सिग्नल दे दिया। गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी और छूटने लगा रूपंती का हाथ। गांव का रंग रूप किसी रंगीन चित्र सा स्थिर हो गया था। बहती नदी ठहर गई थी, पेड़ों पर झूलती हवा थम गई थी, जंगल झाड़ पेड़ पहाड़ सब सदमा खाए खड़े थे। अचानक मैंने देखा गांव के ऊपर कोई खूबसूरत तितलियों का झुंड मंडरा रहा है। धिन धिन के अनुगूंज लिए कोई भनभनाहट सुनाई पड़ रही थी। मेरा कलेजा धक से रह गया। क्या ये वही तितलियां हैं जिनका जिक्र रूपंती ने किया था? धिनाधिन धिन धिनाधिन धिनाधिन रूपंती का सिर घुमा घुमा कर नृत्य करना मेरी चेतना में सजीव होने लगा। मुझे लगा रूपंती अपने हाथ पैरों को लहराते हुए मुझसे पूछ रही है। मेरा पूरा गांव उजड़ गया, पूरी प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। ऐसे में जो जश्न का गीत गाए वह कौन हो सकती है? धिनाधिन धिन धिनाधिन धिन। उस रोज मैं रूपंती के गीत का अर्थ नहीं समझ पाई थी, मगर आज उसकी बोली खूब अच्छी तरह समझ रही हूँ। शहर में ले गए पकड़ के जिन, औरत हुई पर चढ़े न दिन, दिनाधिन दिन दिनाधिन दिन। मैं देख रही थी रूपंती की सहेलियां मिनौती तिलोत्तमा गुंजरों भी उसके साथ आ मिली हैं। मैंने पाया जंगल बांझ हो गए थे, पेड़ सन्यासी हो गए थे, आदिवासी जाति की समाप्ति की व्यथा इन तितलियों के स्वर में मुखरित होती जा रही थी। दिनाधिन दिन दिनाधिन दिनाधिन दिन दिनाधिन गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। निश्चित तौर पे जो आदिवासी जीवन का जिस तरह से आज क्षरण हो रहा है और एक पूरी साजिश पूरी दुनिया में चल रही है कि आदिवासियों के जंगल खत्म किए जा रहे हैं, उनके जीवन पे जो संकट है, उनकी जो प्रकृति है वो जिस तरह से आज क्षीण हो रही है इस औद्योगिक और तमाम माहौल में, और उस लड़की का जो शहर में आना, शहर की नृशंसता और जिस अनुभव से आपने परिचय कराया वो निहायत ही दुर्लभ अनुभव है और ये बिल्कुल मन को विचलित कर देने वाली कहानी। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपने बहुत ही अच्छी कहानी का पाठ किया। अब मैं रचना पाठ के लिए नीरजा माधव जी को आमंत्रित करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी। साहित्य अकादमी का मैं बहुत आभार व्यक्त कर रही हूँ कि उन्होंने इस कहानी पाठ का आयोजन किया इस कोरोना के संकट काल में। अपने पाठकों को अपने श्रोताओं को जोड़े रखने का एक बहुत ही सार्थक उपक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद अकादमी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का भी, और साथ में एक बार पुनः कुमार अनुपम जी का बहुत आभार। मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक है पत्थरबाज। आमतौर से हम पत्थरबाज के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं, खबरों में बहुत कुछ जाना सुना, लेकिन थोड़ा सा एक अलग शेड पत्थरबाज का। मैं कहानी प्रारंभ कर रही हूँ। पीठ पर पुराना हरे रंग का स्कूली बैग टांगे उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते पर वह चला जा रहा था। उसके नन्हे नन्हे पांव में आज रोज की अपेक्षा पलक की फुर्ती थी। कई महीनों बाद स्कूल खुला है,
सोपोर, अखनूर, अरनिया, राजौरी, बटपोरा और उरी में आतंकी हमलों और पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा लगातार भारतीय सीमा के गांवों और सैनिकों पर की जा रही फायरिंग, हैंड ग्रेनेड से हमलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद कर दिए थे। गांव वालों को गांव छोड़कर कहीं अन्यत्र सुरक्षित शिविरों में भेज दिया गया था। 10-12 वर्षीय असलम भी अपनी अम्मी और नए अब्बू के साथ शिविर में चला गया था। कल ही लौटकर वह और उसकी अम्मी घर में वापस आ गए थे, पर नए अब्बू किसी से मिलने की बात करके अपने दोस्त हाजी मियां के साथ कहीं निकल गए थे। अब वे 2-4 दिन बाद ही लौटेंगे। उसे नए अब्बू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बड़ी बड़ी काली दाढ़ी और सिर पर सफेद जाली वाली गोल टोपी के बीच उनकी दोनों लाल आंखें बहुत भयानक लगती हैं। उसके स्कूल के दोस्त फयाज ने बताया था कि उसकी अम्मी कह रही थी कि असलम के पहले वाले अब्बू को इस नए अब्बू ने ही अपने रास्ते से हटा दिया। दरअसल एक दिन गुस्से में अब्बू ने अम्मी को 3 बार तलाक कह दिया था। बाद में वह बहुत पछताए थे। नए अब्बू उनके दोस्त थे, उन्होंने ही रास्ता बताया कि मुझसे अपनी बीबी का निकाह करा दो, फिर मैं उसे तलाक दे दूंगा तो तुम फिर से उसके साथ निकाह करके रह सकते हो। पर असलम की अम्मी की खूबसूरती पर उसका दिल आ गया और उसने तलाक देने की जगह असलम के अब्बू को ही रास्ते से हटा दिया। अब बेचारी शबनम मजबूर है, उसी के साथ रहने के लिए मजबूर है। पसंद नहीं करती वह, फिर भी उसे रहना है उसके साथ। सोचकर असलम का दिल भराया था अपनी अम्मी के प्रति। कितना कुछ झेली है उसकी अम्मी। अब्बू पहाड़ों में खो गए और नाना भी पिछले साल बाढ़ में बीमार हुए तो फिर ठीक ही नहीं हुए। अम्मी नाना जान के लिए तड़प कर रह गई थी, पर नए अब्बू उन्हें जाने नहीं दिए। उनके खौफ से अम्मी कुछ नहीं बोल पाई थी। उसे भी नए अब्बू से डर लगता है। उन्हें जल्दी मुस्कुराते नहीं देखा था उसने। बाहर वाले कमरे में अपने 4-6 दोस्तों के साथ वे हमेशा न जाने क्या खुसुर फुसुर बतियाते रहते हैं। कभी कभी सभी की मिली जुली भोंडी हंसी से लगता है जैसे घर की पुरानी छत उड़ जाएगी। ऐसे समय में वह अम्मी को बाहर की बैठक में सबके लिए चाय ले जाने से मना कर देता है। मैं ले जाऊंगा अम्मी, तुम मत जाओ, तुमसे छलक जाएगी असलम, अम्मी फुसफुसाकर बोलती है। नहीं, एहतियात से ले जाऊंगा, दो तो। वह कभी कभी अम्मी पर ही खिजला उठता है, फिर बाद में बहुत प्यार भी आता है अम्मी पर, जाकर उसके सीने से चिपक जाता है। उसका सिर अब अम्मी के कान तक पहुंचने लगा है। दीवार में लगे गोल से आईने के पास अक्सर वह खड़े होकर अम्मी की लंबाई से अपनी ऊंचाई नापता है। अब मैं बड़ा हो गया हूं अम्मी, अक्सर वह अम्मी को सांत्वना देता है ताकि वे उसे घर के कामों में हाथ बटाने दें, बाजार से राशन सब्जी या सरकारी नल से पानी भरकर लाने दें। पर अम्मी सारे काम खुद ही करती है, उसे किसी काम में हाथ नहीं लगाने देती। कहती है, तू बड़ा हो जा, पढ़ लिख कर हुनरमंद बन जा, फिर कहीं और चले जाएंगे हम, इस दोजख से निकलना जरूरी है। यह तो कश्मीर है अम्मी, मेरी किताब में लिखा है कि धरती की जन्नत है ये, तुम दोजख क्यों कह रही हो? अम्मी उसे खींच कर गोद में बैठा लेती हैं ऐसे सवालों पर। उस समय उनकी आंखों में पहाड़ों की बर्फ सी जम जाती है। वे अक्सर धीरे सी फुसफुसा कर कहती हैं, जन्नत कहाँ, इसे तो आतंकियों ने दोजख बना दिया है, अपने ही लोगों ने। पर कभी ये बातें किसी से बोलना मत। वही आतंकी जो झेलम उस पार से चोरी चोरी आते हैं और हम लोगों के घरों में घुसकर मुर्ग मुसल्लम बनवा कर खाते हैं और हिंदुस्तानी सेना से लड़ाई करते हैं। हाँ, वही सब मुर्दार, दोजख में भी जगह न मिले उन सबों को, जीना हराम किए हैं हम सबका। अम्मी की आंखों में नफरत का सैलाब बहने लगता है। न जाने कितनी बीती बातें उसे भी याद हो आती हैं। वह अम्मी की नफरत की वजहें सोचने लगता है। पुराने अब्बू के समय भी वे लोग इसी घर में रहते थे। गांव से थोड़ा अलग थलग अब्बू ने पहाड़ी की इस ढलान पर छोटा सा घर बनवाया था। अम्मी के अब्बू जान ने पैसों रुपयों से घर बनाने में मदद की थी। झील में चलाने के लिए छोटा सा हाउस बोट भी था, लेकिन उसमें सैलानी कम, अब्बू के दोस्तों का ही जमावड़ा रहता था। अम्मी अब्बू के इन आवारा दोस्तों से बहुत चढ़ती थी। जबरदस्ती घर में घुसकर वे अम्मी से मजाक किया करते थे। अम्मी सिर झुकाए रसोई में चली जाती। उनके लिए ढेर सारी रोटियां सेकते हुए अम्मी का चेहरा भट्टी की तरह ही लाल हो जाता। वह छोटा था, चुपचाप बैठा अम्मी की ओर टुकुर टुकुर देखता रहता। अम्मी की चुप्पी उसे खलने लगती। कभी कभी काटते अम्मी की आंखों से इतना पानी गिरता कि वह समझ ही नहीं पाता कि अम्मी रो रही है या सिर्फ प्याज की झार रही है। वह उठकर अपनी हथेलियों से अम्मी की आंखों से झर रहे आंसुओं को पोंछता।
अपनी दोनों बाहें अम्मी के गले में डालकर पूछता, क्यों बनाती हो सबके लिए खाना? तू अभी नहीं समझेगा असलम, इसीलिए कहती हूँ कि अच्छी तरह तालीम ले ले, तुझे हिंदुस्तानी फौज में भर्ती करूंगी, तेरी शादी करूंगी और यहाँ से कहीं दूर चल कर रही। अम्मी की फुसफुसाहट में एक सपना हमेशा तैरते देखा था उसने, अपने घर, बाजार, स्कूल या पहाड़ियों, जंगलों में इधर उधर घूमते हिंदुस्तानी सैनिकों के बूटों की खट खट और वर्दी उसे हमेशा लुभाती। उनके हाथों में बंदूकें होती पर आंखों में वैसा कोई वहशीपन उसे नहीं दिखाई देता जैसा अब्बू के दोस्तों की आंखों में होता था। कभी कभी स्कूल जाते हुए कोई सैनिक उससे बड़े प्यार से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता तो वह खुद को रोक नहीं पाता था, इधर उधर ताकते हुए कि कहीं कोई गांव वाला उसे देख तो नहीं रहा है, वह फौजी के हाथ में अपने नन्हे हाथ दे देता। कई बार फौजी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ता, अब्बू ने मना किया है हमसे बात करने को, नहीं तो नहीं, वह साफ झूठ बोल जाता। स्कूल जा रहे हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? मदरसे में। वह जल्दी से अपनी बात समाप्त करता, वो तो ठीक है पर किस दर्जा? पता नहीं, वह अपने हिसाब से गोलमाल जवाब देकर आगे बढ़ जाता पर अंदर ही अंदर फौजी के साथ अपना बुरा बर्ताव उसे कचोटने लगता। अब्बू ने मना ना किया होता तो फौजी अंकल से खड़े होकर बातें करता, उनकी वर्दी पर टके सुनहरे सितारों के बारे में पूछता, उसे वर्दी पर जड़े सितारे अच्छे लगते हैं, बंदूकों से उसे खौफ नहीं होता, उसे तो फौजी अंकल के हाथों में अक्सर ही देखता रहता है, उनके सिर पर हेलमेट, चेहरा लगभग ढका हुआ, बस दो आंखें बहुत सावधान से इधर उधर डोलती रहती हैं, कमर में गोलियों से भरी मैगजीन बांधे हुए अक्सर ही कब्रिस्तान के पास बने अपने बंकर के आसपास टहलते हुए मिल जाते हैं। कब्रिस्तान से कुछ ही दूरी पर जामिया मस्जिद है और उसके ठीक सामने बटपोरा है, यह मस्जिद झेलम नदी के बिल्कुल पास है। झीलम पर बने हाथीशाह पुल पर भी कभी कभी आसपास के लोग इकट्ठा होकर सेना के जवानों पर दूर दूर से पत्थर फेंकते हैं। पत्थर फेंकने वालों में जवान लड़कों के साथ साथ कई तो उससे भी छोटी उम्र के लड़के रहते हैं। अम्मी हमेशा उसे इन लड़कों की सोहबत से दूर रहने की हिदायतें देती है, कब्रिस्तान वाले रास्ते से ना जाकर तू उस पहाड़ी से स्कूल जाया कर, किसी से दोस्ती या सलाह मशविरा करने की तुझे जरूरत नहीं, ये सब बिगड़े हुए बच्चे हैं, तुझे भी बिगाड़ कर रख देंगे। पर अम्मी उनकी अम्मी तो नहीं रोकती, स्कूल से छूटकर अक्सर वे हाथीशाह पुल या मस्जिद की ओर चले जाते हैं, वहां से इंतकाम के नारे लगाते हैं, पत्थर फेंकते हैं, गो इंडिया, गो बैक, हम क्या चाहते, आजादी, वह हाथ ऊपर लहराते हुए बता रहा था। चटा, अम्मी का एक जोरदार चांटा उसके गाल पर आकर पड़ा था, वह लड़खड़ाकर दीवार से लड़ गया। अम्मी गुस्से में उसे घूर रही थी, तो तू इंतकाम और इंकलाब सीखने जाता है? तालीम छोड़ तू पत्थरबाजी का हुनर सीख रहा है? हे अल्लाह, रहम कर मुझ पर, अब तो रहम कर। अम्मी अपने दुपट्टे से मुंह छिपाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। अच्छा था कि उस समय अब्बू घर पर नहीं थे, अपने गाल पर पड़े तमाचे को भूल कर वह रोती हुई अम्मी से लिपट गया था। अम्मी अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। मत रो अम्मी, मैं नहीं जा रहा था पर वही जाहिद ले गया मुझे स्कूल से। उसने अम्मी को सफाई देने के चक्कर में उस दिन की सारी बातें बतानी शुरू कर दी। अम्मी ने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया था और नफरत के साथ उसकी ओर देख रही थी। उसे अम्मी की नफरत भरी निगाहों से घबराहट होने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे अम्मी के भीतर अपने लिए एकाएक बढ़ गई इस नफरत को मिटाए। वह सब कुछ देख सकता था पर यह नहीं। अम्मी की आंखें और नाक सुर्ख हो गए थे, अपनी एक हथेली ओठों पर रखे हुए हैरत से उसकी ओर देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब्बू के दोस्त घर आकर जब सेना पर पत्थर फेंकने या आतंकियों को अपने घर में पनाह देने की बातें करते हैं तो अम्मी कुछ नहीं बोलती, उल्टे उनकी फरमाइश पर चाय नाश्ता बनाकर खिलाती हैं, पर उसके दोस्त जाहिद की बात पर वे इस कदर भड़क क्यों थी? उसे पहली समझ में नहीं आई तो वह अम्मी के सीने में अपना चेहरा छिपा कर फूट फूट कर रोने लगा। तमाचे से अधिक दर्द उसे अपनी अम्मी का दिल दुखा कर हो रहा था। तू नहीं समझता असलम, मैं तुझे इस दोजख में नहीं झोंकना चाहती मेरे बच्चे, तुझे लेकर अभी यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकती, कोई सहारा नहीं है, बस तू तालीम हासिल कर, बस तालीम, नेक इंसान बनाना चाहती हूँ तुझे मेरे बच्चे। अम्मी उसे अपने सीने से चिपका कर फफक पड़ी थी, उसे तसल्ली मिली थी। चलो, अम्मी के भीतर की नफरत आंसुओं में बह गई, अब से वह कभी अम्मी का दिल दुखाने वाला कोई काम नहीं करेगा। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे से लिपटे खामोश बैठे रहे थे। अम्मी को दिल ही दिल में शायद पछतावा था कि उसने जोर से असलम के मुलायम गाल पर तमाचा मार दिया था, क्योंकि वे उसके गालों को अपनी हथेली से धीरे धीरे सहला रही थी और उनकी आंखें कहीं खोई हुई थी। वह चुपचाप उनकी ओर देख रहा था। शबनम,
शबनम, बाहर से अब्बू की आवाज आई थी तो अम्मी हड़बड़ा कर उठने लगी थी। अपने दुपट्टे को सिर पर ओढ़ते हुए उन्होंने फुसफुसा कर उससे कहा था, जा पिछवाड़ी धूप में बैठकर पढ़, कुछ मत कहना अबू से। ठीक है, वह घर के पिछवाड़े बड़े बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गया था। उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। पहाड़ी की ढाल जहां खत्म होती थी, वहीं चार पांच फौजी हाथ में बंदूक लिए चौकसी कर रहे थे। वे आपस में कोई बात कर रहे थे। उसका मन हुआ था कि वह दौड़कर उनके पास चला जाए और बता दे कि अब्बू के साथ आज फिर कुछ लोग नदी उस पार से आए हैं। शायद आज रात वे लोग फिर उसी के घर में रुकेंगे, क्योंकि अब्बू के घर में घुसते ही उसने उनके हाथ में गोश्त का बड़ा सा पॉलिथीन बैग देखा था। पीछे पीछे वे खौफनाक चेहरे वाले लोग भी घर में घुसे थे। पिछली बार भी ऐसे ही पांच छह लोग आए थे। शाम से ही उनके लिए अम्मी गोश्त बना रही थी, रोटियां सेक रही थी। अब्बू भीतर आए थे और अम्मी को पुचकारते हुए बोले थे, अल्लाह का तेरे ऊपर बहुत करम है कि तुझे उसके बंदों की खिदमत करने का मौका हासिल हुआ है। ये अल्लाह के बंदे हैं, उसी के लिए हथियार उठाते हैं और शहीद हो जाने में भी उफ नहीं करते। तुझे उनकी खिदमत का सबब मिलेगा। अम्मी की ठंडी सांस आज भी उसके मन में अटक गई है। अम्मी अब्बू से बहुत नहीं बोलती थी। अब्बू का गुस्सैल स्वभाव सभी को पता था। गांव वाले कभी उनके पास नहीं बैठते थे, सभी खौफ खाते थे अब्बू से। क्या हूं आई, एकाएक अब्बू की त्योरियां चढ़ने लगी थी। अम्मी डर गई थी। बात बदलते हुए बोली, कितने लोगों की रोटियां सेकू? चार वो और हम तीन। अच्छा, जल्दी सेक दे, खाना खाकर मैं और असलम मुनीर के घर जाकर उनकी बैठक में सो जाएंगे। तू यहाँ इनकी अच्छी तरह से देखभाल करना, समझी ना? आखिर कब तक यह सब? अम्मी की घुटी घुटी आवाज को अब्बू की डांट ने चुप करा दिया था। वह अम्मी को अकेली नहीं छोड़ना चाहता था, पर अब्बू के साथ मुनीर चाचू के यहाँ सोने जाना पड़ा था। सुबह वह जब अब्बू के साथ मुनीर चाचू के घर से वापस आया तो अम्मी का चेहरा लाल था और आंखें सूजी हुई थी। गाल पर कहीं कहीं काले काले निशान थे। उसने घबराकर अम्मी का माथा छुआ तो वह जल रहा था। क्या हुआ अम्मी तुम्हें, बुखार आ गया? अब्बू देखो अम्मी को क्या हो गया, वह तड़प उठा था। दवा दे रहा हूं, आज शाम तक ठीक हो जाएगा, अब्बू ने लापरवाही से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा और अम्मी से पूछा, वे लोग कब गए? अल सुबह, अम्मी ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया था। वे बेहाल सी बैठी थी। वह अम्मी और अब्बू की बातें ध्यान से सुनते हुए कुछ समझने का प्रयास कर रहा था। कुछ कह रहे थे, मसलन कहाँ गए? पता नहीं, अम्मी की बात में एक नफरत सी भरी हुई थी। अब्बू किसी आसे गए थे। मैं कहता था अब्बू कि अम्मी को अकेली यहाँ छोड़कर मुनीर चाचू के यहाँ सोने ना चाहो। देखो अम्मी को बुखार आ गया ना, वह रुआंसा उठा जाकर अम्मी के बगल में बैठ गया था। कुछ ही देर में बूटों की खटखट और दरवाजे पर जोरदार दस्तक दी थी। अब्बू समझ गए थे, उन्होंने अम्मी को इशारा किया था और खुद दरवाजा खोलने चले गए थे। अम्मी उसे लेकर बिस्तर में लेट गई थी। दरवाजा खुलते ही चार पांच फौजी निगाह से इधर उधर देखते हुए घर में घुस आए थे। अब्बू उनके पीछे पीछे हाथ जोड़े बता रहे थे, नहीं सर, कोई नहीं आया था, मेरी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार है, उसी की तीमारदारी में घर कुछ ज्यादा ही फैल गया है। आप तो जानते ही हैं कि घरवाली पड़ जाए तो घर अस्त व्यस्त हो जाता है। अम्मी रजाई से सिर निकाले कर आ रही थी। वह उनके पेट में दुबका हुआ था। उसका मन हो रहा था कि वह चिल्लाकर फौजी अंकल को बता दे कि रात में कुछ लोग आए तो थे, अब्बू उसे लेकर मुनीर चाचू के घर सोने चले गए थे। वह नहीं जाना चाहता था अम्मी को अकेली छोड़कर, लेकिन अब्बू ने कहा यहाँ ओढ़ने बिछाने के लिए कम पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग वहां सोएंगे। यहाँ मेहमानों को कुछ जरूरत पड़ सकती है रात में, इसलिए अम्मी यहीं रहेगी। पर वह कुछ नहीं कह सका। फौजी अंकल लोग चले गए तो अब्बू ने दरवाजा बंद किया और अम्मी के ऊपर बिफर पड़े थे। बर्तन रात में धोकर रख नहीं सकती थी, 10 ही मिनट न लगता। पर अम्मी कुछ बोलते बोलते उसे देखकर चुप हो गई थी। पर क्या, घर को दोजख बना दिया है, कुछ काम नहीं हो सकता तुमसे। अब्बू किचकिचा उठे थे अम्मी पर। अम्मी भी उबल पड़ी थी, रजाई फेंक कर खड़ी हो गई और बोली, मैं तो घर दोजख बना रखी हूँ और तुम तो मेरी पूरी जिंदगी दोजख बना दिए हो। एक असलम का मुंह न देखती तो जिंदा रहने की कोई वजह तुमने छोड़ी है क्या? अम्मी की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अब्बू आपे से बाहर उठे थे। पहली बार अम्मी को इस तरह बोलते सुना था उसने। हमेशा अम्मी चुप चुप ही रहती थी, पर उस दिन न जाने क्या हो गया था, शायद बुखार दिमाग तक चढ़ गया था। अब्बू ने टूटी कुर्सी का पाया उठाकर अम्मी की पीठ पर कसकर दे मारा। रुक, तेरा बुखार अभी उतारता हूँ, जबान लड़ाती है मुझसे।
अम्मी हलाल होते बकरे की तरह डकर उठी थी। वह जल्दी से रजाई फेंक कर नीचे कूदा था और अम्मी से लिपट गया था। अब्बू का हाथ रुक गया था, वह थर थर कांप रहा था डर से, और अम्मी दोनों हाथ ऊपर उठाए जोर से बोल रही थी, या अल्लाह तू ही फैसला कर मैं क्या करूं। वह बिलक कर रो रही थी। अब्बू डंडा फेंक कर बाहर क्यों निकल गए थे। वह अम्मी से लिपट कर सुबक पड़ा था, अम्मी अब्बू बहुत गंदे हैं, चलो हम कहीं दूर चले जाते हैं, तब अब्बू को पता चलेगा। वह रो रहा था। अम्मी की जोर से हिचकी बंद गई थी। वे जमीन पर धम से बैठकर दोनों हाथों में अपना चेहरा छिपा जोर जोर से रोने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसे उसके दोस्त ने एक दिन बताया था कि झेलम उस पार से रात के अंधेरे में 4-5 आतंकी आए थे और जबरदस्ती उसके घर में भी रात में रुके थे। उसी के दूसरे दिन उसकी आपाजान ने पास की झील में कूद कर अपनी जान दे दी थी। बेचारी रात भर आए हुए मेहमानों की खिदमत में लगी रही, कभी उनके लिए खाना बनाती तो कभी दौड़कर उनके बिस्तर बिछाती। दूसरे दिन मर जाने पर गांव वाले कह रहे थे कि यह सब हिंदुस्तानी फौज के कारण हो रहा है, न वो यहाँ रहते न ये सब मेहमानबाजी करने आते। जब भी पाकिस्तानी सीमा की ओर से गोलीबारी होती है तब तब ये सब उसकी आड़ में घुसपैठ करते हैं। अम्मी जो लोग रात में आए थे वे अब्बू के दोस्त ही थे ना, वह सहमते हुए पूछ बैठा। उसे डर था कि कहीं अपने दोस्त की आपा की तरह वह भी अपनी अम्मी को हमेशा के लिए न खो दे। पता नहीं, अम्मी का स्वर गीला था। उसने अपनी हथेली से अम्मी का गाल सहलाया था। बुखार शायद ज्यादा बढ़ रहा था। अम्मी तुम्हारा बुखार बढ़ रहा है, चलो लेट जाओ बिस्तर पर, मैं अभी तुम्हारे लिए दवा ले आता हूँ। तू कहाँ से लाएगा, बस तुम 5 मिनट इंतजार करो मेरा। अपनी बात पूरी करते हुए वह बाहर की ओर दौड़ा था। उसने पहाड़ी की ढलान पर देखा था, अब्बू का दूर दूर तक पता नहीं था। दो फौजी अंकल आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। वह सरपट दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा था और हांफते हुए बोला, फौजी अंकल, अम्मी को बहुत बुखार है, कोई दवा है आपके पास। सैनिक ने आश्चर्य से उसे देखा और बोला, क्यों बेटा, तुम्हारे घर में अब्बू नहीं है। नहीं, अम्मी को डॉक्टर को दिखाकर तब दवा लेनी चाहिए ना बेटा। मान लो कोई दूसरा बुखार हो, यानी टाइफाइड, वायरल, या तो उसके अनुसार दवा डॉक्टर देगा, खून की जांच वांच करेगा। कितने दिन से बुखार आ रहा है। जी बस आज से, कल तक ठीक थी। वो सब मेहमान आए थे रात में अब्बू के साथ ना, उन्हीं के खिदमत में लगी रही थी, शायद थकान से उन्हें बुखार आ गया। उसने बिना सोचे समझे सब कुछ फौजी अंकल को बता दिया था। उसे किसी भी तरह अपनी अम्मी को बचा लेना है, हाशिम की आपाजान की तरह मरने नहीं देना है। सैनिक की आंखें सिकुड़ी थी। उसने पूछा था, वो जो पहाड़ी पर तुम्हारा घर दिखाई दे रहा है उसी में आए थे मेहमान। जी हाँ, वही है हमारा घर, वह घबरा कर बोला। दूसरे सैनिक ने पुचकारते हुए कहा, हमारे पास इमरजेंसी के लिए बुखार की दवा है, 2 टिकिया मैं दे देता हूँ, एक अभी खिला देना और एक रात में, नॉर्मल बुखार होगा तो उतर जाएगा। वह सैनिक अपने बंकर की ओर बढ़ा था। एक छोटे से एयर बैग में सैनिकों की पूरी गृहस्थी होती है। दवा की 2 गोलियां उसने उसकी हथेली पर रखी थी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है। असलम, उसने टिकिया पकड़ते हुए जवाब दिया। और अम्मी का, दूसरे सैनिक ने पूछा। शबनम, उसने शक भरी नजर से फौजी अंकल को देखा था। उसके दोस्त ने बताया था कि ये फौजी लोग बच्चों से जानकारियां हासिल करते हैं और फिर आए हुए मेहमानों के साथ मुठभेड़ करते हैं। उसने भी कई बार गांव में किसी किसी घर को फौजियों द्वारा घेरते और फिर मेहमानों के सरेंडर न करने पर गोलियों की बौछार करते सुना है। गोलियों की आवाज या पत्थरबाजी के बीच गूंजते आजादी के नारों से पहले उसे बहुत डर लगता था, पर अब उसे तो सुनने की आदत हो गई है। फौजी अंकल की ओर शक से देखते हुए वह दवा की टिकिया ले खिसकने लगा था, तभी दूसरे फौजी अंकल ने पुकारा था, मियां असलम, अपनी अम्मी को ये दवा खाली पेट नहीं देना, नहीं तो नुकसान कर देगी, कुछ बिस्किट वगैरह खिला देना तब दवा देना। फौजी अंकल की बेपनाह सहानुभूति देख उसकी आंखें डबडबा आई थी। उसके अब्बू अम्मी से इतना काम भी लेते हैं और सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, और एक ये फौजी अंकल है, बिना देखे ही अम्मी के लिए चिंतित है। उसने भरे गले से कहा, अंकल घर में बिस्किट तो नहीं है। ये ले जाओ बिस्किट का पैकेट। सैनिक ने अपने बैग से एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट उसे पकड़ाया था। यार कुलदीप, उसी घर में आज हम तो गए थे तो कहा गया कि कोई मेहमान नहीं आया था। हाँ, एक औरत बीमार जरूर थी, लेटी थी। एकाएक पहले वाले फौजी ने अपने साथी को कुलदीप नाम से पुकारा तो वह सहम कर खड़ा हो गया। उसने गलती से बता दिया था कि मेहमान आए थे रात में। अब तो उसके खैर नहीं, अब्बू को पता चलेगा तो उसे पीट ही डालेंगे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे बात बदले। एकाएक उसने बिस्किट का पैकेट फौजी अंकल को लौटाते हुए कहा था, अंकल मेरे अब्बू मुझे मारेंगे, आप ये पैकेट रख लीजिए। क्यों, कुलदीप नाम के फौजी ने आश्चर्य से पूछा।
मेरे अब्बू कहते हैं कि काफिरों का भरोसा नहीं होता, उनके हाथ से कोई चीज मत लिया करो। कुलदीप के साथ दूसरे फौजी अंकल का भी जोरदार ठहाका गूंजा था। कुलदीप अंकल ने कहा था, अब्बू से पूछना कि जब पिछले वर्ष बाढ़ आई थी और फौजी अंकल लोग तुम सबको अपनी पीठ पर लाद लाद कर घर में से बाहर ले आ रहे थे या खाने का पैकेट पहुंचा रहे थे, तब वह निरुत्तर हो उठा था। लेकिन उसे एक बात का विश्वास हो गया कि मेहमानों वाली बात फौजी अंकल भूल गए। कुलदीप अंकल ने ही उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, जाओ अपनी अम्मी को पहले दवा खिला दो। हाँ, बिस्किट फैक्ट्री में बनता है, काफिर अंकल ने नहीं बनाया है, अम्मी अबू को बता देना, जाओ। इस समय भी घर के पिछवाड़े पत्थर पर बैठे बैठे वह सोच रहा था कि फिर अबू के दोस्त आ गए हैं, अम्मी को उनकी खदमत करने के लिए छोड़कर अब्बू उसे लेकर पड़ोसी के घर सोने चले जाएंगे। बेचारी अम्मी बीमार हो जाती है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वह पीछे का दरवाजा बाहर से बंद कर धीरे से पहाड़ी की ढलान पर दौड़ने लगा था। कब्रिस्तान के पास वाला सेना का बंकर दिखाई पड़ रहा था। पास ही सेना की दो गाड़ियां खड़ी थी जिसमें कई वर्दीधारी सैनिक बैठे थे, कुछ बाहर टहल रहे थे। गाड़ियों पर चारों तरफ चेचक जैसे दाग बता रहे थे कि इन पर हजारों पत्थरों की चोट पड़ चुकी है। उस दिन शुक्रवार था। अक्सर शुक्रवार को नमाज के बाद से स्कूली लड़के भी सैनिकों और पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने का काम करते हैं। पत्थरबाजी को रोकने के लिए पुलिस वाले भी कभी पत्थर चलाते हैं तो कभी आंसू गैस छोड़ते हैं। दुकानें बंद हो जाती हैं डर से। पत्थरबाजी में छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते हैं, उनसे पत्थर इकट्ठा करवाने का काम लिया जाता है। कई इस मुठभेड़ में घायल भी हो जाते हैं। वह पहाड़ी से उतरकर फौजी अंकल के पास पहुंचा ही था कि दोनों ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। यह अक्सर होता है, उसका दोस्त बता रहा था कि इसके लिए पैसे मिलते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मस्जिद के बाहर खड़े लड़कों के चेहरे कपड़ों से ढके थे और उनके हाथों में गुलेले थी। कोई कोई रस्सी के एक छोर पर पत्थर फंसा कर उसे गोल गोल हवा में घुमा रहा था और फिर जैसे ही वह उस रस्सी को झटका देता उसमें से पत्थर किसी गोली की तरह छूटकर फौजियों की ओर चला जाता। पर फौजियों के सिर पर हेलमेट और चेहरा कपड़े से ढके होने के कारण चोट नहीं लगती। असलम पत्थरबाजी के बीच से भागता हुआ एक फौजी अंकल के पास जा खड़ा हुआ था। शुक्र था कि उसे कोई पत्थर का टुकड़ा न लगा था। बेटा तुम यहाँ क्यों आए हो, देख नहीं रहे हो क्या हो रहा है, एक फौजी ने उसे अपने पीछे छिपाते हुए कहा। अंकल आज मेरे घर फिर मेहमान आए हैं, वह हाँफते हुए बता रहा था। क्या, फौजी का ध्यान भंग हुआ था और एक पत्थर सनसनाता हुआ उसके हेलमेट से टकरा कर असलम के माथे को जख्मी कर गया था। वह अपना माथा पकड़कर वहीं बैठ गया और दर्द से बिलबिला उठा था। महेंद्र सिंह, इस बच्चे को पत्थर लगाए, जल्दी इसका बैंडेज करके इसके घर भेजो, फौजी अंकल ने उसे एक दूसरे फौजी के हाथों में सौंपते हुए कहा और फिर पत्थरबाजों को पीछे खदेड़ने में जुट गए। कुछ ही देर में पत्थरबाजी का यह माहौल शांत हो गया था। लड़के अपने अपने घरों की ओर लौट गए थे। दुकानें बंद हो चुकी थी। सड़क पर सैनिकों की बूटों की आवाज अथवा गाड़ियों के आने जाने के शोर के अतिरिक्त कुछ शेष न था। उसके माथे से रिश्ते खून को रोकने के लिए दवा लगाकर सफेद पट्टी बांध दी गई थी और एक सैनिक उसे लेकर सुरक्षित उसके घर के पास तक छोड़ आया था। रात में अम्मी के पास अभी सोया ही था कि बाहर से आवाज आई थी, तुम लोग घिर चुके हो, सरेंडर कर दो नहीं तो भून दिए जाओगे। अम्मी उसे सीने से चिपकाए कोने में दुबकी थर थर कांप रही थी। बाहर के कमरे में अब्बू के दोस्तों ने अपनी बंदूकें संभाल ली थी और बाहर खड़े सेना के जवानों को ललकारने लगे थे। तुमसे तो बाद में निपटेंगे, तुमने दगा दिया है हम सब के साथ, एक दोस्त अब्बू को खुलेआम धमकियां दे रहा था। नहीं, हमने कुछ नहीं किया सरकार, कसम खुदा की, अब्बू गिड़गिड़ा रहे थे। तभी एक पेपर शेल जवानों की ओर से आकर दरवाजे के पास गिरा। शेल से इतना तीखा धुआं उठ रहा था कि सभी की सांसें घुटने लगी, छाती में जलन होने लगी और आंखों से लगातार पानी गिरने लगा था। वह बदहवास सा अम्मी का हाथ पकड़कर पीछे के दरवाजे की ओर भागा, पर दरवाजा तो वही बाहर से बंद कर गया था जब पिछवाड़े से वह फौजी अंकल को मेहमानों के बारे में बताने गया था। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था, मन हो रहा था वो अपना सिर दीवार से लड़ावे। अंदर से धुएं और घुटन के बीच भी अब्बू के दोस्त सैनिकों पर गोलियां चला रहे थे। एक दोस्त फोन पर अपनी अम्मी से बात भी कर रहा था, वे कह रहे हैं हम सरेंडर कर दें। नहीं, सरेंडर मत करो, भागने का मौका मिले तो भाग जाओ पर सरेंडर मत करो, तुमने अल्लाह के लिए हथियार उठाए हैं, तुम्हें अल्लाह ने मेरी गोद में दिया, आज मैं तुम्हें उन्हें वापस कर रही हूँ, अल्लाह तुम्हारी शहादत कबूल करे। स्पीकर पर उधर से किसी औरत की भर्राई हुई आवाज आई थी, शायद उस आतंकी की माँ थी। असलम को सब कुछ सुनाई दिया था, उसे आश्चर्य हुआ, ऐसी भी माएं होती हैं क्या जो अपने बच्चों को अल्लाह को वापस करने की सोचे।
अल्लाह के नाम पर खून खराबा करने को उकसाएं। उसकी अपनी माँ तो कहती है कि अल्लाह बहुत रहमदिल है, अपने बंदों की सारी तकलीफों को सुनता है, उन्हें दूर करता है, लोगों को गंदी राह पर चलने से रोकता है, पर हम तो अल्लाह के नाम पर ये लोग बुरे काम कर रहे हैं, सैनिकों पर चुपके से हमले करते हैं, कभी कभी बेरहमी से उनके अंगों को काटकर धमकी भरा पैगाम भेजते हैं। क्या अल्लाह सब देखता होगा? देखता है तो चुप क्यों रहता है? सजा क्यों नहीं देता इन्हें? उसने अपनी अम्मी की ओर देखा था, अम्मी की आंखों में दहशत थी, सीने में जलन और धुएं के कारण वे बदहवास सी कभी पिछवाड़े के दरवाजे की ओर तो कभी अपने असलम की ओर देख रही थी। अब्बू घबराए से इधर उधर भाग रहे थे, सैनिकों का घेरा लगातार उनकी ओर बढ़ता आ रहा था, रह रह कर माइक से सरेंडर कर देने और हवा में फायरिंग की आवाज से पूरा क्षेत्र सन्नाटे में फैल गया था। उसने देखा अम्मी खांसते खांसते बेदम सी हो रही थी, उनके चेहरे पर मौत की परछाइयां सी तैर रही थी, वे दीवार के सहारे धम्म से नीचे बैठ गई थी। वो घबरा उठा था अपनी अम्मी की यह दशा देख। बाहर निकलने वाला सामने का दरवाजा बंद था, वहां अब्बू के वे दोस्त अपनी अपनी बंदूकें संभाले डटे हुए थे, उन्हें अम्मी या उसकी कोई खबर नहीं थी। वह अम्मी को किसी तरह बाहर खुले में ले जाना चाहता था ताकि वे सांस ले सकें। बाहर खड़े हिंदुस्तानी फौजों से उसे डर नहीं लग रहा था, फौजी अंकल जरूर उसकी मदद कर देंगे, अम्मी की दवा भी कर देंगे, बस एक बार वह किसी तरह अम्मी को लेकर बाहर निकल जाए। फौजी अंकल लोग उसे अच्छे लगते हैं, पर अब्बू के इन दोस्तों का क्या करे वह? उसने एक बार बदहवास से अम्मी को फिर से देखा, एकाएक उसने एक बड़ा फैसला लिया, वह किसी तरह दरवाजा खोलकर फौजी अंकल के पास पहुंच जाए। उसके सामने कुछ रास्ता नहीं बचा था। कुछ दिनों पहले ही आंगन में अब्बू ने ढेर सारे छोटे बड़े पत्थर रखवाए थे, उसने टोकरी में भर कर लाते हुए पूछा था कि अब्बू इनका क्या होगा, तो अब्बू ने कहा था कभी किसी वक्त बेवक्त काम आएगा। उसने अपने माथे पर हथेली फेरी थी, पट्टी से रिश्ता हुआ खून उसकी हथेली में चिपचिपा उठा था, आज ही तो पत्थरबाजी में उसे भी एक पत्थर लगा था और वह बिलबिलाकर रो पड़ा था। फौजी अंकल ने उसे अपने पीछे छिपाते हुए दूसरे फौजी अंकल से कहा था, जल्दी ले जाओ इसे बैंडेज करवा दो। अम्मी अब बेहाल सी बड़ी बड़ी सांसें लेते हुए जमीन पर लेट गई थी, उससे अपनी अम्मी का यह हाल देखा नहीं जा रहा था, उसकी आंखों में भी जलन हो रही थी। अब्बू के दोस्त अपने अपने मुंह बांधे हुए थे, फिर भी उन्हें रह रहकर खांसी आ रही थी। वह तेजी से आंगन में रखे पत्थरों की ओर दौड़ा था और अपने दोनों हाथों में बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े उठा लिए थे। दरवाजे के पास खड़े अब्बू के दो साथियों की ओर निशाना साधते हुए उसने पूरी ताकत से पत्थर फेंका था, निशाना सटीक बैठा था, एक अपना सिर पकड़कर बैठ गया, दूसरा स्थिति को भांपने के लिए इधर उधर देख रहा था। असलम ने दूसरे हाथ का पत्थर भी दाहिने हाथ में लिया था और पूरी ताकत के साथ वहां खड़े अब्बू के दूसरे साथी पर चला दिया था। इस आकस्मिक हमले के लिए शायद वे तैयार नहीं थे, पत्थर उसके माथे से टकराया था और खून की एक तेज धार बह निकली थी। दरवाजे के पास वे दोनों घायल हो बैठ गए थे। असलम ने तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ते हुए अम्मी को सांत्वना दी, अम्मी मैं अभी फौजी अंकल से इन लोगों की शिकायत करके आता हूँ, तुम परेशान न हो, अब भी दवा लेकर। वह दरवाजे की सिटकनी खोल चुका था, एक कदम दरवाजे से बाहर निकालते ही भारतीय सैनिकों ने उसे देख लिया था, इसलिए फायरिंग के लिए साथियों को रोक दिया। उन्हें लगा था कि भीतर छिपे आतंकी सरेंडर करने आ रहे हैं, पर एक बच्चे को बाहर निकलता देख वे दुविधा में पड़ गए। तभी पीछे से एक सनसनाती हुई गोली के साथ असलम के कानों में अब्बू के दोस्त की आवाज आई थी, अब तुम फौजी अंकल से नहीं अल्लाह मियाँ के पास जाकर शिकायत करना। और आंखें मूंदते मूंदते बिलख कर वह अल्लाह से शिकायत कर बैठा था, तुम्हारे बंदों ने धरती को गंदा कर दिया है, बच्चों और अम्मियों के रहने लायक नहीं छोड़ा। अल्लाह सुन रहा था अपने मासूम बच्चे की शिकायत और देख रहा था घृणा से धरती पर अपने बंदों को, जिन्होंने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा था अपनी नापाक हरकतों से। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरजा जी। एक तरफ जो अलगाववादियों का चेहरा और एक तरफ सहानुभूति से जुड़ा हुआ, सहानुभूति से मन भरा हुआ भारतीय महान सेना का चेहरा, इन दोनों को और जिस तरह से आपने दो माओं को दिखाया है, दो बच्चों को जिस तरह से आपने अलग अलग उनके व्यक्तित्व दिखाए हैं, ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। और इसमें से जो एक देशभक्ति का स्वरूप आपने निर्मित किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इस बहुत अच्छी कहानी के लिए। आज हमने दो कहानियां सुनी अलका जी से, हमने आज के समय में जो आदिवासी जीवन पर संकट है
जो उनकी मासूमियत, जो उनकी नैसर्गिकता है, वो किन मजबूरियों के तहत छली जा रही है, नष्ट होती जा रही है। और दूसरी तरफ हमने निर्जा जी की कहानी सुनी, जो हमारे जन्नत जैसी जगह को दोजख में बदलने वाले लोगों पर केंद्रित है। और इसमें जिस तरीके से आपने जिंदगी के तमाम संबंधों को दिखाया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं साहित्य अकादमी के ओर से आप दोनों ही रचनाकारों के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये कार्यक्रम आज का निश्चित तौर पर याद किया जाएगा, क्योंकि इसमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानियों का पाठ हुआ है। मैं अलका जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आदरणीय नीरजा माधव जी का, आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.